आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाजापुर से है। यहां हरियाणा प्रांत से लौटे 65 मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है, जिसके राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, कानपुर समेत अन्य नगरों में काम करने वाले मजदूर नौकरी पेशा लोग मिर्जापुर फरकाबाद हाईवे से पकड़कर आने वाले लोगों की शाजापुर के धर्मजीत सिंह पीजी कॉलेज में स्क्रीनिंग की गई। जनपद शाजापुर के मजदूर हरियाणा व गुजरात में काफ़ी संख्या में फंसे हुए हैं। मजदूरों के घर वापसी की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। इस पर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को लाने का निर्णय लिया। इससे फंसे मजदूरों के साथ ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इन सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। बताया गया है कि 65 मजदूरों में 10 को हल्की खांसी बुखार के लक्षण पाए गए, जिन्हें जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बाहर से आए इन यात्रियों की खाने पीने की व्यवस्था SDM रमेश बाबू के निर्देशन में कराई गई। इस संबंध में पत्रकार विजय सिंह ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरीनपुर डॉक्टर आदेश रस्तोगी से की बात। पर प्रवासी मजदूर अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, कितने मजदूर यहाँ पर आए हैं और कितने क्या किए गए? यहाँ पर टोटल 65 मरीज आए हुए हैं, जिन सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा चुकी है। इसमें से 10 लोगों को हम लोग जिला अस्पताल पर सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं आगे की जांच के लिए। क्या जो ये मरीज आए हैं, क्या इनमें किसी को भी कोरोना के लक्षण आपको क्या ऐसा कुछ लगा? ऐसा तो नहीं, कुछ लोगों को मामूली खांसी और बुखार का है लक्षण है, तो उन्हीं लोगों को जिला अस्पताल अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में जाँच होती है और एक जिला अस्पताल के थ्रू जाँच होती है, वहाँ पर भेजा जाएगा जाँच। नमस्कार, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे पीपीडी खबर चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचती रहें।